आज एक किसी ना आर्मी ऑफिसर के माँ को पूछो, उनके बेटी को पूछो, उनकी बीवी बनना खाने का काम नहीं है। जब वो तिरंगा में लपेट के आता है ना घर पे, तब तो उनके बच्चों को पूछो कैसा लगता है। किसान को उनका न्याय मिलना चाहिए। तो कुछ हटके लगता है ये टाइम बिग बॉस, हमारे टाइम कुछ हटके था, पर हमारे जैसा जो 13 का था ना वैसा बिग बॉस कभी नहीं बन सकता है। अब फिर से कोई सुशांत सिंह राजपूत नहीं बनेगा, जो सुशांत सिंह राजपूत के साथ हुआ ना अभी वापस नहीं बन सकता है। आज मेरे को बुलाया इन्होंने, भाविन जी का जो नया गाना अभी लॉन्च हो रहा है उसके लिए बुलाया। ये अभी यूथ जनरेशन को अभी चांस मिलना मांगता है, और सब अभी बॉलीवुड में पुराने पुराने हो गए, उनको जरा आराम करना मांगता है। अभी नए लोगों को जरा बॉलीवुड देखना अच्छा लगेगा ना। हाँ, और कुछ आगे अच्छा है ना, उसको ऐसे में बोल रहा हूँ ना, अभी के जो यूथ है ना उन लोग को आगे बढ़ाओ, और जो पुराने अभी हो गए ना बॉलीवुड में उनको घर पे आराम करने को बोला। अभी वैसे भी बॉलीवुड को अभी नज़र लग गया है, बुरा वक्त आ गया है, तो अभी यूथ जनरेशन को देखना चाहेगी नई पब्लिक, ऐसा है। मेरे को कौन हीरो बनाने वाला है, थोड़ी मिलेगा तो विलन ही मिलेगा ना। तो आ रहे, अभी मैं 3 वेब सीरीज कर रहा हूँ, 2 पिक्चर कर रहा हूँ, 5 गाने कर रहा हूँ, सब आप लोगों का आशीर्वाद है। अभी सब सक्सेस से लेके सब कुछ, ये पूरा क्रेडिट जाता है एक तो मीडिया वालों को और मेरे हिंदुस्तान को, जनता को। मैं छोटा इंसान है, ये छोटे इंसान को बड़ा करने वाले आप लोग हैं, तो आपको ये क्रेडिट जाता है। जैसा कि आपने देखा अभी वेब सीरीज निकल रही है, जैसा तांडव हो गया वापस, वो 2-4 ऐसी वेब सीरीज हो गई, जैसा वो एकता कबूतर ने भी निकाली थी वो अल्ट बालाजी में, तो ये सबको बैठना चाहिए अभी, क्योंकि अभी लोगों ने इनको इनकी औकात बता दी है सबकी। इनको चर्बी आई थी सबको, तो इनकी चर्बी, इनको क्या लगता था कि हम कुछ भी करें हमारे चाचा के भतीजे को, इसको उसको सबको लेंगे, वो हाफ बिरयानी है ना करण जोहर, हाँ, तो उनको लगता था वो कुछ भी करे इनका कोई कुछ नहीं कर सकता है। मगर अगर ये हिंदुस्तान की जनता आपको इतना बड़ा बना सकती है ना, तो आपको आपकी औकात भी बता सकती है। जैसे अभी महानायक, उन्होंने भी एक ट्वीट किया था, जिनके औकात नहीं वो मेरे पे सवाल पूछते हैं। अरे औकात क्या होती है रे, 25-50 रुपए का टिकट निकाल के ये जनता ने आपको बड़ा किया, आज उनको उनकी औकात पूछ रहे तुम, तो आपको आपकी औकात बताएंगे ना। फिर घर बैठो और खेलो कौन बनेगा करोड़पति। हाँ, एक 10-15 दिन में मेरा खुद का एप्लीकेशन आ रहा है, क्योंकि मैं आज तक मेरा इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, जिस पे भी जो हिंदुस्तान के जनता की आवाज़ थी, जो मैं लोगों तक पहुँचाता था, वो कहीं ना कहीं मेरा कंटेंट वो कंपनी को पसंद नहीं आता है, वो कंपनी को नहीं आता है या पाकिस्तान वालों को नहीं आता है, समझ में नहीं आता है। तो इसके लिए अभी मैंने खुद का मेरा हिंदुस्तानी भाऊ ऐप लॉन्च होएगा, बहुत जल्दी अभी होने वाला है। कुछ खास बात नहीं ना, उसमें भी वही रहेगा, बस जो भी देश के खिलाफ बोलेगा उसकी बजाऊंगा मैं, बस वही रहेगा। तो
ये पहला तो ये मेरा खुद का रहेगा, मैं किसी का किसी कंपनी का इसके लिए नहीं कर रहा हूँ, ये मेरे खुद का है। जो एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करेगा वही देखेगा, मैं किसी को ज़बरदस्ती नहीं करूँगा कि भाई मेरा तुम एप्लीकेशन डाउनलोड करो, मेरा वीडियो देखो, मैं किसी को ज़बरदस्ती नहीं कर रहा हूँ। ये मेरी खुद की प्रॉपर्टी है, ये आपको डाउनलोड करना है तो देखो, नहीं करना है मत देखो। वो तो एक कैसा था, इंस्टाग्राम था, यूट्यूब था, फेसबुक था और किसी का था वो, ये तो मेरा खुद का है जिसके ऊपर मैं खुल के बोलूँगा। अभी करने तो कुछ भी परवाह नहीं। नहीं, पहला तो एक आपको एक बात बताता है, मुझे बहुत दबाने की भी कोशिश की, पैसों से खरीदने की भी कोशिश की। एकता कबूतर कि मुझे वीडियो नहीं बनाना चाहिए, मैं उसके ऊपर FIR भी करने को गया था, उसके लिए भी बहुत प्रेशर आया मेरे पे। आज कोर्ट में मैंने PL दाखिल किया है उसके खिलाफ कि इसको उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि आज एक जवान जो अपने लिए सरहद पे खड़ा है उसके बारे में आप इतना गंदा सोच सकते हो, ये तो फिर आप ये देश में भी रहने की औकात नहीं आपकी। आज उनका आज एक किसी ना आर्मी ऑफिसर के माँ को पूछो, उनके बेटी को पूछो, उनकी बीवी बनना खाने का काम नहीं है। जब वो तिरंगा में लपेट के आता है ना घर पे, तो उनके बच्चों को पूछो कैसा लगता है। तो ये कहीं ना कहीं इन लोग गलत कर रहे थे, तो उनको ये पूरे जनता ने उनके औकात भी दिखा दी और मीडिया वालों ने भी उनके औकात दिखा दी, तो आगे भी उनके औकात दिखेगी। नहीं कर पा रहा है ना मेरा भाई, क्योंकि आपके दुआ से अभी रिलेशन इतना अच्छा हो गया कि सब जगह मुझे जाना पड़ता है, तो इसके वजह से टाइम नहीं मिलता है। घर पे भी मैं कभी कभी दो दो दिन के बाद जाता हूँ, तो इसके लिए टाइम नहीं मिलता है। मगर बिग बॉस में कुछ नया नहीं रहेगा, वहाँ वही रहेगा। अच्छा, घर के बाहर भी भेज रहे अभी? मैं बहुत कोशिश किया था, मैं बहुत बार बोला था मेरे को छोड़ो बाहर, छोड़ो, छोड़े ही नहीं मेरे को अभी। तो कुछ हटके लगता है टाइम बिग बॉस, हमारे टाइम कुछ हटके था, मगर हमारे जैसा जो 13 का था ना वैसा बिग बॉस कभी नहीं बन सकता है। क्या है मालूम है, पहला तो ये पहला तो ये किसान ना अपना अन्नदाता है, इसको उनको इंसाफ मिलना चाहिए। मगर मेरा अन्नदाता ना किसी के ऊपर ट्रैक्टर नहीं चढ़ाता है, मेरा अन्नदाता है ना किसी के ऊपर तलवार नहीं निकालता है, मेरा अन्नदाता किसी के ऊपर पत्थर नहीं मारता है ना लाठी चार्ज करता है, समझा? तो कहीं ना कहीं ये किसान आंदोलन के पीछे पॉलिटिक्स और अपनी दुकानें चलाने वाले नेता बैठे, इसके लिए आंदोलन खराब हो गया है, बाकी कुछ नहीं। किसान को उनका न्याय मिलना चाहिए। बाबू, एक नॉन बॉलीवुड फैमिली से आना और बॉलीवुड में एक अपना मकाम बनाना इतना इजी है कि बस हो जाता है, क्या कहना चाहोगे? ये बॉलीवुड है ना, ये इनके बाप का था पहले, जो ये कुछ भी करे ना चलता था। जैसा सुशांत सिंह राजपूत, उसका कुछ भी बैकग्राउंड नहीं था, खुद से आगे बढ़ा था वो, तो देखा ना उसके साथ क्या हुआ। तो ये कहीं ना कहीं अभी ना ये जो हो रहा था वो जनता ने उनको उनके औकात बता दी, अब फिर से कोई सुशांत सिंह राजपूत नहीं बनेगा। जो सुशांत सिंह राजपूत के साथ हुआ ना अभी वापस नहीं बन सकता है, क्योंकि जनता अभी समझ गई है ऐसा।
देखो क्या है मालूम है, जीने का तो शेर के जैसा जीवन ना रहे, कुत्ता बिल्ली जैसा क्यों जीते। आपको नहीं मालूम क्या उन लोग ने गलत किया, सबको मालूम है। तो बोलने की ताकत रखो ना मर्द के जैसा, डरने का क्या उसमें, जो सच है वो बोलो ना। सच बोलने में डर काहे का, जब आप सच बोलोगे ना तो आपको लोग सुनेंगे, आपके साथ खड़े रहेंगे। किसी की झूठी तारीफ करना वो जमता नहीं मेरे को, जो सच है वो सच है। आप सबको, मेरे पूरे हिंदुस्तान के लोगों को यही बोलना चाहता है कि आप लोगों ने जो अभी मुहिम चलाया ना, कदम आया कि इन लोग को, बॉलीवुड वालों को उनके औकात दिखा रहे, पॉलिटिशियन को उनके औकात दिखा रहे, ऐसे ही करो। क्योंकि आज आज ये यूथ है ना, ये मेरे हिंदुस्तान का भविष्य है। तो ये अगर किसी को बढ़ाना जानता है तो उनको रास्ते पे भी लाना जानता है, ऐसा ही। तो बस भाऊ जिंदगी भर आप साथ है, हिंदुस्तान के साथ है, पीछे नहीं हटेगा। थैंक यू। एक मिनट जी। हाँ, मैं भाऊ को थोड़ा थैंक यू बोलूँगा कि आप यहाँ पर आए, आपने सभा निकाला हमारे लिए, इतना किया इसलिए थैंक यू सर, थैंक यू। बस इनको बहुत सारी शुभकामनाएं, ऐसे ही आगे बढ़ो और यूथ जनरेशन को आप सपोर्ट करो। थैंक यू सो मच। मतलब आपका प्यार चाहिए बस, केवल हो जाएगा प्यार इन लोग का चाहिए। व्हाट्स अप गाइस, सब लोग का प्यार चाहिए। थैंक यू सब, इससे गिरी हाउ इज इट गोइंग, हाय सब, हाउ इज इट गोइंग। चले हो गया मेरा, चल स्टे हियर ना गिरी प्लीज। या आ रितिक कम इन ना, श्रवण भाई प्लीज, श्रवण श्रवण यहां पे आ जा, तू बीच में ना, तू स्टार है। एक सेकंड में खोल देता हूं, सिंगल सेंड देगा इन लोग को। एक सेकंड तुम लोग ले चालू करो, एक सेकंड चलो, क्या कोई नया गाना लेके? नहीं नहीं, लव यू लव यू लव यू। वाओ लुकिंग स्मार्ट, आप भी बहुत स्मार्ट।